नमस्कार, मैं हूँ मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। राजधानी लखनऊ में समय समय पर उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। इसी कड़ी में भारतीय इंटीरियर डिजाइनर संस्थान और आकार इन्फो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से मनाया गया। एक सहयोगी मंच यानी IDCS के आयोजन में बिल्डिंग मटेरियल एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बिल्डिंग मटेरियल आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइन से जुड़े विषयों और उत्पाद के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 17 से 19 मार्च 2023 तक आयोजित हो रहा है। हम लोग IIID लखनऊ रीजनल चैप्टर एक IDCS प्रोग्राम कंडक्ट किया है, जो मेन प्रोग्राम हमारा 17 से 19 मार्च तक है, पर ये हमने पूरा इस बार डिज़ाइन वीक सेलिब्रेट किया है। डिज़ाइन वीक हमारा 13 मार्च से स्टार्ट होके 19 मार्च तक हुआ। इनिशियली हम लोगों ने कि जनता की अवेयरनेस के लिए कुछ प्रोग्राम्स किए, जैसे हमने डिज़ाइन यात्रा किया, फोटोग्राफी कंपटीशन किया, डिज़ाइन पे चर्चा किया लामा टीनियर ग्राउंड में। उसके बाद हमारा 17, 18, 19 का प्रोग्राम ये चल रहा है। 17th को कल ब्रजेश पाठक जी ने हमारे प्रोग्राम का इनॉग्रेशन किया। उसके बाद ब्रजेश पाठक जी के वक्तव्य थे कि ये उन्होंने लखनऊ क्या यूपी में पहली बार इस लेवल का एग्जीबिशन देखा है, और उनका उनका भी कहना था कि भाई इस तरह के अगर एग्जीबिशन होते हैं तो हमारा यूपी को, यूपी के डेवलपमेंट में बहुत हेल्प होगी। जो आर्किटेक्ट्स हैं यही देश का फ्यूचर है। अगर हमें अगर डेवलपमेंट को अच्छा करना है तो आर्किटेक्ट की सोच अगर इस लेवल की होगी। यहाँ जिस तरह हम लोगों ने नए प्रोडक्ट्स लगाए हैं, एक छत के नीचे 100 स्टॉल्स आए हुए हैं, सारे प्रोडक्ट्स एक ही जगह हैं, तो हम लोगों का ये गंतव्य था कि जो आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलीट क्लास के लिए होते हैं, लोअर क्लास, मीडियम क्लास, हर क्लास के लिए। अगर आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिज़ाइनर से कोई भी अपना मकान बनवाता है या कोई भी बिल्डिंग बनाता है तो कहाँ कैसा वेंटिलेशन कितना होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। बिल्डिंग तो ठेकेदार भी बना लेता है। जब कोई आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर मकान बनाता है तो उसमें वो लाइफस्टाइल उन लोगों के लिए डिज़ाइन करता है। जो भी है, हम अगर किसी छोटा अगर मकान बना रहे हैं 1000 square feet का, तो हम ये देखते हैं कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो हम उसके हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। तो उसी तरह एलीट क्लास है तो वो उनके हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। तो हमेशा आर्किटेक्ट लोगों को सिखाता है कि क्या लाइफस्टाइल होनी चाहिए। और इस प्रोग्राम में मैं जो फुटफॉल है, जैसे 17th को फर्स्ट डे अप्रोक्स 10,000 लोगों ने यहाँ विजिट किया आर्किटेक्ट। इसमें हम लोगों ने देश भर से आर्किटेक्ट आए हुए हैं, पूरे यूपी से आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर्स आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले इस तरह का जो एग्जीबिशन है हम लोग देखने जाते थे दिल्ली और बॉम्बे, फर्स्ट टाइम लखनऊ में हुआ है। तो सारे लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, और उन्हें इवन उनके क्लाइंट्स यहाँ आ रहे हैं, चीज़ों का वो यहीं फाइनल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक छत के नीचे कंपैरिजन मिल जा रहा है हर चीज़ के लिए, तो वो उन्हें फाइनल करने में भी आसानी हो रही है। अदरवाइज़ आपको डिफरेंट शोरूम्स पे जाना पड़ता था, तो यहाँ क्या है कि एक छत के नीचे आपको इतना बड़ा मटेरियल एग्जीबिशन एक्सपो है। इसके अलावा हम लोग स्टूडेंट्स के लिए भी स्टूडेंट वर्कशॉप करा रहे हैं, और हमारे आर्किटेक्ट्स के अवेयरनेस के लिए 3 दिन का हमारा कॉन्फ्लुएंस भी चल रहा है। हम लोग फर्स्ट टाइम डिज़ाइन एक्सीलेंस अवार्ड विद इन यूपी कर रहे हैं इस बार। उसमें क्या है कि इसमें 10 कैटेगरीज हैं, जिसमें हम लोग अवार्ड की जूरी हमारी अभी भी चल रही है, और आज शाम को रेनेसा में हम लोग अनाउंस करेंगे जो भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड होंगे। डिज़ाइन जूरी जो है वो हमारी नेशनल लेवल की जूरी है, कि भाई यूपी के लोगों को ये ना लगे कि कहीं कोई फेवर हुआ है, फेवरिज्म हुआ है, तो वो नेशनल लेवल के लोग हैं, यहाँ के लोगों को जानते नहीं हैं, तो इस लेवल की जूरी करा रहे हैं हम। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, और मीडिया से गुजारिश है कि आप भी आम जनता तक ये हमारा मैसेज पहुँचाएँ कि वो लोग आएँ, ये उनके लिए जो भी बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ पुष्प।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो